हेलो फ्रेंड्स, बैन प्रिया, वेलकम टू माय देसी कुकिंग ईट दिस ईट हेल्थी में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कीवी का रायता, जो कि काफ़ी टेस्टी और हेल्दी होता है। इसमें विटामिन सी बहुत होता है, इसमें फोलिक एसिड जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, इसका अगर रायता बनेगा तो वो भी काफ़ी हेल्दी होगा और इसको आप व्रत में भी खा सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल खा रहे हैं तो आप इसमें सादा नमक डाल दीजिए, अगर आप व्रत में खा रहे हैं तो सेंधा नमक डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए मैं इसको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या डाल के बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो है 3 चम्मच जो है चीनी लिया है पीसा हुआ। अगर आपके पास पीसा नहीं तो आप सिंपल चीनी भी डाल सकते हैं, या उसको आप थोड़ा सा सील बट्टे पे अगर मिक्सर में पीस के आप डाल सकते हैं चीनी। तो यहाँ पे मैंने पीसी हुई चीनी लिया है 3 चम्मच। यहाँ पे मैंने 15 से 20 करी पत्ता लिया है। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने सरसों का दाना लिया है, और ये मैंने लाल मिर्च लिया 1 चम्मच। यहाँ पे मैंने जीरा जो है खड़ा लिया है 1 चम्मच है। यहाँ पे मैंने नमक लिया है टेस्ट अनुसार। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने हरी मिर्च लिया है। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप जो हरी मिर्च जो है कम कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कीवी लिया है, इसको मैंने छील लिया है ऊपर से, और इसका यहाँ पे, और ये जो है मैंने दही लिया है 2 कप, और यहाँ पे तेल है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने 2 बाउल में कीवी लिया है, 1 में मैंने 3 रखा है, 1 में 4। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता देती हूँ कि ये वाला तो एक साइड में रख देंगे, लेकिन इस वाले कीवी को हम लोग कट करके इसमें जो है शुगर मिलाएंगे, इसको एकदम बारीक ऐसे ही, और इसको जो है इसमें ले लीजिए। और इसमें मैं 3 चम्मच जो है चीनी डालूंगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आपको ये सुपरमार्केट में मिल जाएगा, वैसे भी ठेले पे भी वो लोग रखते होंगे फ्रूट वाले। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको मैं मिला के जो है एक तरफ रख दूंगी, और यहाँ पे मैं दही लूंगी। और दही में जो है, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या डालना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो दही लिया है उसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी, 1 चम्मच मैंने डाला है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, ये थोड़ा खट्टा मीठा सा होता है। यहाँ पे लाल मिर्च मैं डालूंगी थोड़ा सा, और इसको जो है अच्छे से मिला लूँगी। अच्छे से फेंट देने से पूरा अच्छे से मसाला जो है मिल जाएगा। और मैंने जो ये कीवी जो है खड़ा रखा है ऐसे, अभी कट नहीं किया, इसको मैं कट करके दही के ऊपर से डालूंगी। तो फ्रेंड्स, इसको भी एक तरफ रख देते हैं। और अब हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पे मैंने जो पैन लिया है वो मेरा गरम हो गया है सवा, और उसमें मैं एक एक करके डालूंगी। यहाँ पे मैंने जिंजर लिया है वो डाल दूंगी। तेल मेरा गरम हो गया था, मैंने पहले से ही पैन पे थोड़ा सा तेल डाला था, मैंने 3 चम्मच तेल डाला है। और इसमें जो है एक करी पत्ता डाल दूंगी थोड़ा सा। यहाँ पे मैं जीरा डाल दूंगी, थोड़ा सा मस्टर्ड, सरसों का दाना, अभी मैं आपको और भी रायते बताने वाली हूँ, काफ़ी हेल्दी रायता। यहाँ पे मैं हरी मिर्च डालूंगी, थोड़ा ही डालनी हूँ, अगर आपको पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसको जो है ऐसे करके भून लेंगे। बस ये अदरक कच्चा ना रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा हो गया है। अब मैं इसको जो है बंद कर दूंगी गैस को। और यहाँ पे मैंने जो ये लिया है कीवी, जो मैंने थोड़ा सा अलग से काटा था 4 कीवी, और उसमें मैंने चीनी मिलाया था, ये मैं अब क्या करूँगी, इसको एक मिक्सर में पीस लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, कि मैंने गैस तो बंद कर दिया था, अब मैं इसको दही के ऊपर ये तड़का दे दूंगी। ये हुआ मेरा तड़के वाला कीवी।
और इसके बाद इसको साइड में रख दूंगी। और ये जो मैंने मैश किया एकदम मिक्सर में हल्का सा पीस लिया, इसको डाल दूंगी। अगर बच्चे फ्रूट नहीं खाते हैं तो उनको आप ऐसे मिला के खिलाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और इसके बाद अब मैं और क्या करने वाली हूँ आपको बता देती हूँ। जो बचा हुआ कीवी है उसको मैं ऊपर से थोड़ा सा सजा दूंगी और ऊपर से डाल भी दूंगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको एक चीज़ आप रखिएगा, एकदम अच्छे से चॉप करिए, मतलब एकदम बारीक काट लीजिए। अगर आपको बड़ा पीस खाना है तब भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप इसके ऊपर ऐसे डाल दीजिए। और एक चीज़ आप याद रखना, आप जब भी रायते के लिए कोई भी बूंदी का रायता हो या कीवी का रायता हो या कोई भी फ्रूट्स का रायता हो आप बना रहे हैं, तो दही जो है आप काफ़ी ज़्यादा डालिए। और दूसरी बात, दही जो है एकदम ठंडी होनी चाहिए, फ्रीज की दही निकाल के आपको जब खाना हो तभी ये कीवी का रायता बनाइए और खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स चलिए आप खाइए और खिलाइए, तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया रेसिपी डालूं आपको नोटिफिकेशन मिले।